जी हमारे पास क्वेश्चन क्या दे रखा है, ऑब्टेन ऑल द अदर जीरोस ऑफ 3x की पावर 4 प्लस 6x की पावर क्यूब माइनस 2x के पावर 2 माइनस 10x माइनस 5 इफ टू ऑफ इट्स जीरोस आर रूट 5/3 एंड माइनस रूट 5/3। ठीक है सर, और अदर जीरो टू जीरोस हमारे पास दे रखा है। ठीक है, पी एक्स इज इक्वल टू हमें कितना दे रखा है, ये दे रखा है हमारा 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। ठीक है, और हमारे जो टू जीरोज है, सिंस दी टू जीरोज हमारे पास जो दे रखा है वो क्या क्या है, रूट 5/3 एंड माइनस रूट 5/3 ये दे रखा है हमें। ठीक है, तो जो हमारा जीरोज जो होता है वो वेरिएबल के इक्वल होता है, यानी कि x इज इक्वल टू रूट 5/3 और x इज इक्वल टू माइनस रूट 5/3। ठीक है, तो ये है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स माइनस इधर जाएगा तो माइनस रूट बाय 5/3, प्रोडक्ट में एक्स इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस रूट 5/3। ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे जो क्या बन रहा है, आइडेंटिटीज अगर लगाएंगे तो हमारा जो a प्लस बी क्या बन रहा है, a माइनस बी। ठीक है, a माइनस बी a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि जो हमारा क्या हुआ है, यहाँ से एक्स स्क्वायर एक्स के पावर स्क्वायर यानी कि माइनस बी स्क्वायर यानी कि रूट 5/3 का होल स्क्वायर, तो हमारा यहाँ से कितना बच जाएगा, ये एक्स स्क्वायर रूट कट जाएगा तो 5 यानी कि 5/3। ठीक है, ये होगा, यानी कि ये हमारा क्या आ गया, इस पॉलिनोमियल से जो हमारा पी एक्स जो हमारा पॉलिनोमियल जो है, इस पॉलिनोमियल से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, ऊपर वाले पॉलिनोमियल से, इस पॉलिनोमियल से ऊपर वाले पॉलिनोमियल को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जब हमारा यहाँ पे हम ठीक है क्वेश्चन निकालेंगे, अब देखो जो डिवाइड करने के बाद जो हमारा जो क्वेश्चन आएगा वही हमारा क्या होगा, अदर जीरोज होगा। ठीक है, तो हमारा क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 इससे डिवाइड करेंगे ऊपर वाले पॉलिनोमियल से, तो क्या दे रखा है, 3x के पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। ठीक है, इसके साथ हम करेंगे, तो मैंने पहले ही बता रखा है कि जो हमारा ये है 3x के पावर 4, इसको फर्स्ट टर्म के पाले के साथ हम इसको करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, 3x स्क्वायर यानी कि ये हमारा क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के साथ हम क्या करेंगे, इसके ये जो डिवाइजर है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा यहाँ से करेक्ट बैठेगा, तो हमारा 3x कितना आएगा, ये इसको हम करेंगे तो कितना आएगा, 3x की पावर 4। ठीक है, 3x की पावर 4। ठीक है, और हमारा यहाँ से 3 × 3x² × 5/3 करेंगे तो यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा तो कितना बच जाएगा, ये माइनस 5x² आप साइन चेंज करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कि यहाँ से हमारा ये कट जाएगा और यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 6x³ नीचे आ जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस सॉरी प्लस, क्योंकि बड़े के साथ क्या साइन प्लस है, तो 3x² माइनस 10x माइनस 5। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद अब हमारा ये फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है, 6 यहाँ पे क्या है, 6x², अब इसके साथ क्या करेंगे, x² यानी कि हमारा क्या बच गया, 6 यानी कि क्वेश्चन में क्या होगा, क्वेश्चन में क्या होगा, यहाँ पे प्लस 6 प्लस 6 होगा। ठीक है सॉरी, यहाँ पे क्या होगा, प्लस 6x होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो 6x बचेगा, क्योंकि यहाँ पे जो देखो 6x³ है, यानी यहाँ पे क्यूब था और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो ये कट जाएगा, यहाँ पे 6 बच जाएगा और एक क्या बचेगा, क्या यहाँ पे x बचेगा। ठीक है, 6x बचा, तो यहाँ से हम अगर 6x को जो हम क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे 6x² माइनस 10x और इसके साइन चेंज करते माइनस प्लस। ठीक है, माइनस प्लस, तो यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, 3x². ठीक है, और यहाँ से हमारा ये भी कट जाएगा, तो यहाँ से अब क्या बच जाएगा, यहाँ से माइनस 5। ठीक है, अब हमारा यहाँ से ये हो गया, अब हमारा यहाँ से क्या होगा, क्या बच गया, 3x²
तो 3x² अपॉन उनमें क्या होगा x² कट गया, तो यहाँ से क्या बच गया 3, यानी कि क्वेश्चन में आप क्या जाएगा 3 आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा 3, अब 3 से करेंगे इसको मल्टीप्लाई डिवाइजर को, तो हमारा यहाँ से क्या आएगा 3x² - 5, यहाँ से साइन करेंगे चेंज तो माइनस प्लस, तो यहाँ से हमारा कट जाएगा, तो यानी कि हमारा क्या आ गया 0, 0 क्या आ गया रिमाइंडर आ गया 0, और हमारा क्वेश्चन क्या आ गया 3x², हमारा क्वेश्चन ये हमारा, ये हमारा क्या क्वेश्चन आ गया 3x², ठीक है। क्वेश्चन क्या है 3x² + 6x + 3, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे उसका फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे इसको फर्स्ट वाले को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, इस फर्स्ट और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 9। अब इस 9 को करते हैं तो ठीक है, तो 3 3 = 9, यानी कि हम इसको मैं क्या कर सकता हूँ प्लस माइनस ऐसे करूँ कि 6x आ जाए, तो 3x² 3x, अगर 3x कर दूंगा यहाँ पे तो यहाँ से आ जाएगा 3x + 3x, यानी कि 3, यानी कि यहाँ से हमारा कॉमन कितना आ जाएगा 3x, तो 3x तो x + 1, ठीक है। और यहाँ पे कॉमन क्या है 3, यानी कि x + 1, ठीक है। ये हो गया, यानी कि यहाँ से अगर मैं कॉमन निकाल तो कितना आ जाएगा x + 1 3x + 3, यानी कि अब जीरोज निकालते हैं, ठीक है, यानी कि x + 1 = 0, 3x + 3 = 0, यानी कि हमारा x = कितना आ गया -1, और 3x उधर जाके क्या हो जाएगा -3, यानी कि x = उधर जाके 3 हो जाएगा, ठीक है, तो 1 आ जाएगा, यानी कि -1, 3 3 कट जाएगा, यानी कि हमारा x = 1 - 1, और इधर भी क्या हो गया -1, यानी कि जो हमारा, ठीक है, यानी कि जो हमारा जीरो जो आएगा हैंस 2 zeros तो पहले गिवन थे, हैंस द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है, आर कितना हो जाएगा √5/3 - √5/3, और क्या होगा -1 and -1, ये हमारा 4 क्या होंगे जीरोज होंगे, ठीक है, उस पॉलिनोमियल का, तो यही हमारा क्या हो गया आंसर। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं,